पालतू कुत्तों के लगातार हमले के बाद हर कोई खौफ में है। गाजियाबाद में बच्चे पर पिटबुल के हमले के बाद से शहरी सोसाइटीज में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिस तरीके से हमला हुआ उसमें किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। अब एक बार फिर पिटबुल कुत्ते के हमले की घटना राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर एक युवक को एक कुत्ते ने काट लिया। इस घटना के बाद डॉग लवर्स फिर से निशाने पर आ गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपके कुत्ता प्रेम की कीमत दूसरे क्यों चुकाएं? दरअसल मामला लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विराम खंड का है, जहां प्रांजल मिश्रा नाम का युवक घर से बाहर बने पार्क में अपनी माँ के साथ टहल रहा था। उसी दौरान एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से युवक के हाथ पर चोट आई है। युवक को बचाने में मां भी चोटिल हो गई, जिसके बाद युवक और उसकी मां को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में घायल प्रांजल मिश्रा ने बातचीत में बताया कि वो अपनी मां के साथ शनिवार की रात करीब 10:30 बजे खाना खाकर पार्क में टहल रहे थे। वो कुत्ते से बचकर निकल ही रहे थे कि अचानक कुत्ते का पट्टा छूट गया और वो उनके ऊपर झपट पड़ा। कल रात को सर खाना खाने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर टहलने गया हुआ था, और लौटते समय घर से कुछ ही दूरी पर एक 8 से 10 साल का लड़का और उसके साथ 17 से 18 साल का लड़का एक कुत्ते को लेकर टहल रहे थे। पिटबुल ब्रीड का था शायद, और वैसे भी मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैंने साइड से निकलना चाहा, लेकिन वो लोग कुत्ते के साथ इस तरह खेल रहे थे कि कुत्ता उछल रहा था और उछलने के साथ ही उसने मुझ पर अटैक किया। हालांकि मेरी मम्मी आगे थी, तो मम्मी को साइड करके मैं उस तरफ आ गया और वो मेरे कंधे पे चढ़ गया। इसके बाद मैंने उसको हटाना चाहा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था और उसने मुझे नीचे गिरा दिया। इसके बाद मेरे पुश करने पे और उन लड़कों ने शायद फिर खींचा उसे, तब वो छूटा, लेकिन तब तक वो काफी नुकसान पहुंचा चुका था मुझे। वहीं पीड़ित प्रांजल की तरफ से डॉग ओनर के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिस पर गोमती नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले लखनऊ के कृष्णा नगर में भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। कुत्ते के हमले के दौरान युवक के पेट और प्राइवेट पार्ट के जख्मी करने का आरोप भी लगा है। ठीक होने के बाद युवक ने थाने पर FIR दर्ज करवाई थी। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में डॉग हमले को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहरी सोसाइटी के पालतू कुत्तों का आतंक वहां के रहने वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।